महाराज जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत बड़े। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 एक्सरसाइज जो कि आपकी चेस्ट को बिल्डअप करने में बहुत मदद करेंगी। और जो भी चैनल पे नया है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि फ्यूचर में जब भी आपका भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई वर्कआउट से पहले अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लें। तो मैं अभी चला रहा हूँ गूगल, तो आप शोल्डर को अच्छे से वार्म अप कर लें क्योंकि जाके चेस्ट में जो कि हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो शोल्डर, ट्राइसेप्स और अपर बैक होती है, तो इनको अच्छे से वार्म अप कर लें पहले। जो भी मैंने अभी एक्सरसाइज बताई है तो ये आप अपने वर्कआउट से पहले कर लो ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म हो जाए। तो भाई सबसे पहले हम लगाएंगे 2-3 सेट पुशअप के ताकि आपकी चेस्ट अच्छे से पंप हो जाए हैवी वर्कआउट के लिए। तो भाई चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर जो कि है इनक्लाइन बारबेल प्रेस। तो ये अपने अपर चेस्ट को टारगेट करेगी, तो हम स्टार्ट करेंगे इनक्लाइन बारबेल प्रेस से। तो अभी मैं आपको अपनी चेस्ट का पंप बता देता हूँ, तो वर्कआउट के बाद देखना फिर बताना कि पंप कैसा है। तो ये अभी बिना वर्कआउट के, तो वर्कआउट के बाद बताते हैं। चलो भाई आपको कंट्रोल रैप्स लगाने हैं, स्पीड में नहीं लगाने हैं, आराम से मसल को पूरा स्ट्रेच करके और ये काउंटर है। ऊपर जाके अपनी चेस्ट को पूरा स्क्वीज करना है। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने हैं 4 सेट। फर्स्ट सेट में आप अपना वेट लीजिए जिससे कि आप 15-16 रैप निकाल सकें प्रिपरेशन सेट के लिए। उसके बाद अपना वेट बढ़ाते जाएं और लास्ट में अपना एक ड्रॉप सेट ऐड कर लें। भाई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है इनक्लाइन बारबेल प्रेस, तो उसके हमने लगाए हैं 4 सेट और लास्ट में 2 सेट हमने ड्रॉप सेट यूज़ किए हैं। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जो कि है वो भी इनक्लाइन पे डंबल फ्लाई है, वो भी आपकी अपर बैक को टारगेट करेगी। तो आपको फ्लाई लगानी है, पावर कितना दूर है, तो आपको ऊपर अपने डंबल जोड़ने नहीं है, इससे कि आपका मसल लोड चला जाएगा तो आपको मसल में टेंशन रखनी है कंटिन्यूस। ये पूरा नीचे स्ट्रेच किया और ऊपर स्क्वीज। सेट लगाने हैं और हर सेट में वेट बढ़ाते रहने हैं, 12-15 रैप के बीच में बड़े रेपिटेशन रखनी है। और जिसको भी फ्लाई लगाते समय या चेस्ट के वर्कआउट के बाद शोल्डर में पेन होता है उसके लिए लास्ट में मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आपको शोल्डर पेन में रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है।
तो भाई अपनी सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है खत्म, तो अभी हम चल रहे हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की ओर। पूरा मसल को कंट्रैक्ट करना और स्क्वीज करना, कंट्रोल रैप लगाने हैं पूरे। इसके लिए आपको 15-20 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं और 4 सेट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो भाई चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की ओर, केबल फ्लाइंग, जो कि अपनी लोअर चेस्ट को टारगेट करेगी। तो भाई इस एक्सरसाइज के भी आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं और स्लो रैप और कंट्रोल रैप परफॉर्म करने हैं। ये नहीं है तेज तेज लगाए, बिल्कुल आराम से मसल को स्ट्रेच किया और स्क्वीज किया, जिससे कि आपके मसल पे अच्छा लोड आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो भाई अपनी चेस्ट वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है वेटेड पुशअप। तो देखो आप कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपको हैंडल लेने हैं, उसको आगे की तरफ रखना है और वेट रख लेना ऊपर। जितने भी आपसे रैप्स परफॉर्म हो उतना परफॉर्म करो टिल फेलियर स्ट्रेच। इसके भी आपको 4 सेट परफॉर्म करने हैं, जितने भी रैप्स लगते हैं 7, 8, 10, 15 जितने भी लगते हैं आप लगाओ और अच्छा पंप आएगा इसको एज अ वार्म अप, नहीं एक्सरसाइज के रूप में लिया। भाई मैंने हर सेट, हर एक्सरसाइज का एक एक सेट इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं अपने चारों सेट बताता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने हर एक्सरसाइज का एक एक सेट बताया। तो भाई यही था अपना चेस्ट का वर्कआउट। तो अभी आपको दो एक्सरसाइज बताता हूँ शोल्डर की, जिससे कि आपकी शोल्डर में तो भाई इस एक्सरसाइज में ऐसे परफॉर्म करना, अपनी एल्बो को बिल्कुल अपने शोल्डर लेवल रखना और इसको पीछे खींचना और स्लो रिलीज करना। ये है पहली एक्सरसाइज और सेकंड है ये। इसमें भी आपको एल्बो बिल्कुल सीधी रखनी है और सिर्फ ऐसे मूवमेंट करनी है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज, शोल्डर में पेन ठीक होगा। और यहीं तक रखते हैं आज के वीडियो को। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना।